के खास कार्यक्रम दे दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम आपको बताते हैं कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनको लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कारों की जो घोषणा होती है तो ये पुरस्कार विवादों में आखिर क्यों आ जाते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं, उन सब कारणों के बारे में आपको हम बताते हैं। कल जब इन पुरस्कारों की घोषणा हुई तो सबसे पहला नाम गीता मेहता का था, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बहन है। उन्हें शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में विदेशी कोटे से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसकी घोषणा के बाद गीता मेहता ने ये कह दिया कि उन्हें ये पुरस्कार नहीं चाहिए, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसका अर्थ गलत निकाला जाएगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार को लेकर आवेदन बुलाए जाते हैं तो फिर ऐसे लोग आवेदन क्यों करते हैं? क्या यह आवेदन करने का तरीका सही है? क्या बिना आवेदन करे केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से ये पता नहीं कर सकती कि कौन व्यक्ति समाज में वास्तव में काम कर रहा है? जब लगभग 70 साल पहले ये पुरस्कार शुरू हुए थे तब ये कहा गया था कि देश में शिक्षा, साहित्य, मानवता जैसे क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे जो स्वेच्छा से और बिना स्वार्थ के ये काम करते हैं। शुरुआत तो वाकई अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में इसका राजनीतिकरण होने लगा, क्योंकि शर्मनाक बात यह है कि आपको यदि पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार लेना है तो कलेक्टर ऑफिस में आपको आवेदन करना पड़ेगा। उसके बाद जिस पार्टी की राज्य सरकार होगी वो पार्टी यदि चाहेगी तो ही केंद्र सरकार को आपके नाम की अनुशंसा भेजेगी। यह कितनी बड़ी विचित्र बात है, यदि राज्य सरकार आपको पसंद नहीं करती है, आपको उस लायक नहीं समझती है तो वो आपका प्रस्ताव नहीं भेजेगी, भले ही आप योग्य हो या ना हो। यदि आप अयोग्य हैं और राज्य सरकार आपकी विचारधारा की है और आपका नाम पुरस्कार के लिए केंद्र सरकार को भेज देती है तो गलत पुरस्कार कई बार मिल जाते हैं। ऐसे पुरस्कारों को लेकर अब कुछ सालों से विवाद लगातार बढ़ने लगे हैं। जैसे ही पुरस्कार की घोषणा होती है देश भर में 2-4 नाम ऐसे होते हैं जो या तो पुरस्कार लेने से मना कर देते हैं या उनके नाम के चयन को लेकर विवाद हो जाता है। वास्तव में जो समाज में काम करते हैं वो लोग कहते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तो ये सरकार को पता क्यों नहीं होता, जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम कोई व्यक्ति अपना पूरा समय लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर, अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर, तन मन धन के साथ करता है तो सरकार उनको आगे बढ़कर ये पुरस्कार क्यों नहीं देती? क्या ये सिस्टम बंद नहीं हो जाना चाहिए कि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कार लेने के लिए लाइन में लगकर कलेक्टर ऑफिस में आवेदन देना पड़े और उसके बाद राज्य और केंद्र सरकार में बैठे मंत्री तय करें कि इनको पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन पुरस्कारों को विवाद की कहानी लगातार बढ़ती जा रही है। हम आपको एक नाम और बताते हैं, वो नाम है छत्तीसगढ़ की तीजन बाई का, जिनको इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जब उनको ये पुरस्कार की जानकारी मिलती है तो तीजन बाई कहती है कि ये क्या होता है, तब उनको ये बताया जाता है कि ये हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, इसके बाद जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो भारत रत्न का होता है, जिसके लिए कभी किसी को कोई आवेदन नहीं करना पड़ता। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार लेने वाले लोग भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि क्या भारत रत्न की तरह केंद्र सरकार ये पुरस्कार देने के लिए भी चयन खुद करे, कोई कमेटी बना दें, वो लोग देश भर में ऐसे लोगों को जाकर देखें कि वास्तव में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इस कारण कई बार जो गलत पुरस्कार बढ़ जाते हैं उन पर भी रोक लग सकती है।
हमने ये बड़ा सवाल आज गणतंत्र दिवस पर इसलिए उठाया है क्योंकि जब खुशी और उल्लास का माहौल देश में होता है, हम जश्न मनाने की तैयारी करते हैं और उसी समय इस तरह की विवाद की खबरें आती है तो मन को बड़ा धक्का लगता है कि आखिर इस तरह के पुरस्कार या तो बंद कर देना चाहिए या इन पुरस्कारों को देने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे कि पुरस्कार लेने वाले का सम्मान और अधिक बढ़े। आप देखते रहिए घमासान.com पर लगातार दे दनादन कार्यक्रम। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।